हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे ये भिंडी की पकौड़ी, और बहुत क्रिस्पी होती है और अच्छी होती है। हमने तो कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटी भिंडियाँ हों तो अच्छा है, और अगर बड़ी भिंडी है तो उसके दो पीस कर लेने चाहिए। इन सारी भिंडियों का हेड और टेल हमने निकाल दिया है, 10-12 भिंडियाँ थी। इस तरह से अगर मोटे बीज हैं तो हम निकाल लेंगे। पतली पतली स्ट्रिप्स कर लेंगे, हमें बीज नहीं चाहिए इसके। दो टेबल स्पून मैदा ले लिए, एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। भिंडी को पहले धोकर हमने रख लिया था, फिर वो उन्हें सुखा लिया था, एक कपड़े से पोंछ लिया था तो वो सूख गई थी। तो भिंडी सूखी होनी चाहिए, एकदम गीली भिंडी का नहीं बनाना चाहिए। अच्छी तरह से कोट कर देंगे, और अगर नहीं हो पाती हैं या ये पाउडर ज़्यादा सूखा होता है तो हम इसमें 1-2 टेबल स्पून पानी डाल लेते हैं, उससे हमारी भिंडी को अच्छी तरह से ये सब मसाला लग जाता है। 2 इंच हींग डाल देंगे, हींग से बहुत अच्छा रहता है, अच्छा टेस्ट आता है। मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल रख दिया था, ऑयल अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए, तभी हमारी भिंडियाँ अच्छी फ्राई होंगी। ऑयल इतना होना चाहिए कि भिंडियाँ डिप हो जानी चाहिए। भिंडियों को अलग अलग फ्राई हो गई हैं, ये सब अलग अलग करके फ्राई किया है। भिंडी मिलनी नहीं चाहिए आपस में, और हम इन्हें रिमूव कर देते हैं ऑयल से। क्रिस्पी से भिंडी पकौड़े बनके रेडी हैं। आप भी इस पकौड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिए। हम केचप के साथ सर्व कर रहे हैं, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है ये तब भी पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।